Hello dears, welcome back once again to the YouTube channel A Little Biologist. This is Mr. Naseem here. Dears, आज हम एक interesting question के बारे में बात करने वाले हैं. Question है, Why do we shiver during fever? बुखार के दौरान body क्यों कांपने लगती है? डियर्स, ये सिचुएशन आप लोगों ने फेस किया होगा. कभी कभार आपको बुखार हो जाता है तो बुखार की वजह से आपकी बॉडी कांपने लगती है. तो डियर्स, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस तरह क्यों होता है? आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन के पीछे जो साइंस है उसको पढ़ेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है. Why our muscle become shiver during fever? Brain में एक part है जिसका नाम है hypothalamus. इसका क्या नाम है? Hypothalamus. ये hypothalamus एक regulator है, एक thermostat है जो कि हमारी body की temperature 37 तक maintain करता है. 37 तक ये हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है. अब कभी कभार इस तरह हो जाता है कि पिथोजन हमारी बॉडी पे अटैक कर लेते हैं, तो इस दौरान ये हाइपोथैलेमस अपनी टेम्परेचर को बढ़ाता है. मतलब पहले जो है हाइपोथैलेमस की टेम्परेचर है 37 डिग्री. ये किसकी टेम्परेचर है? हाइपोथैलेमस की टेम्परेचर है. जब पिथोजन हमारी बॉडी पे अटैक कर लेते हैं तो ये हाइपोथैलेमस अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ाता है और ये लेके आता है 39 डिग्री पे लेके आता है. लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वही का वही यानी 37 डिग्री होता है. अब बॉडी में मौजूद तमाम मसल कांपने लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जनरेट करे और अपनी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस के इस टेम्परेचर के साथ मैच कर ले. तो यही रीज़न है कि बुखार के दौरान हमारी बॉडी के मसल जो हैं वो कांपने लगते हैं. उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह जो है हमारी बॉडी किस तरह और क्यों हमारी बॉडी की जो मसल है वो बुखार के दौरान कांपने लगते हैं. तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.